सरकार में हमारी नहीं है जब तो हम खुद मतलब सरकार में जूता मजाते सीधा तो जूता तुम्हारे ही पास खाली है कम बोल कम बाप है तुम्हारे हम समझे बाप है तुम पैदाशी तुम जूतिया थे और रहोगे तू डरा लेगा मुझे नहीं मतलब जो बता रहे हैं तुम्हारा नाम क्या दीपू सिंह तुम भाजपा का आदमी है तुम तू डर के छुप के ही हमला करेगा समझा मैं जानता हूँ तो छुप के हमला करेगा गीदर की तरह ये सबको धमकाते हैं कहीं मूंछ रखने पे मार देते हैं कहीं बच्चा मार देते हैं और इससे ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे तो ऐसे दीपू टीपू हमने जीवन में बहुत देखे तो मुझे डराने का मुझे गिरफ्तारी भी हुई थी जेल भेजा जाएगा हमने डरा आपने देखा मुझे डरे हुए ऐसे लोग गीदर होते हैं छुप के हमला कर सकते हैं भीड़ में झुंड में हमला करते हैं ऐसे कायरों से मैं नहीं डरता किसी कीमत पर नहीं डरता भाज यूमो लिखा हुआ है ना योगी जी की इसमें तस्वीर है दबे हुए समाज तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है आत्मसम्मान और स्वाभिमान के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास खोने के लिए इसलिए ऐसे आतंकवादियों ऐसे आतताइयों के खिलाफ सीना चौड़ा करके खड़े हो ये डरपोक कायर लोग हैं। आप सबका शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए हैं और रात हमने ट्विटर पे और फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था जिसके माध्यम से आप सबको जानकारी मिली है और ये मामला है मुझे धमकी दिए जाने के संबंध में है। कल शाम में 7:09 पे 2 मिस्ड कॉल आए। मैं किसी काम में व्यस्त था लेकिन मुझे लगा कि 2 मिस्ड कॉल है तो कोई अर्जेंसी होगी क्लास भी होती है तो लगा कि शायद मेरे किसी स्टूडेंट का फ़ोन है। मैंने कॉल बैक किया 7:40 पर कॉल किया तो जो ट्रू कॉलर है उसमें जो नाम आ रहा था वो नाम मैं पहले आपको बताता हूँ वो नाम था भाजा यूमो सोशल मीडिया प्रभारी दीपू सिंह भाजा यूमो भाजपा जनता युवा मोर्चा इसका मतलब होगा सोशल मीडिया प्रभारी दीपू सिंह और इसमें आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा और नंबर था 7081095117 रिपीट 7081095117 708-109-511-7 और इनका नाम दीपू सिंह है और ये फ़ोन मैंने जब किया तो उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की गाली गलौज किया पहले मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप पहले सुने और उसके बाद आपके सवाल भी लूँगा और आगे क्या करना है इस पर भी चर्चा होगी। पहले मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूँ आप ऑडियो सुनिएगा अपने अपने मैं सुना रहा हूँ। बोलो क्या कह रहा हूँ कौन सा पोस्ट क्या किए हैं क्या क्या नहीं किए सब पोस्ट किए हो एक नहीं सब पोस्ट क्या नाम है तुम्हारा दीपू सिंह नाम हमारा हाँ तो कहाँ रहते हो उनकी रहते हैं हाँ तो क्या हो गया होश में मतलब रहा करो होश में तुम भी होश में रहो ना होश में रहो नहीं मतलब जूता ऐसा है सुनो एक काम करो ना तुम दिल्ली आ जाओ है दिल्ली आ जाए हाँ आ जाओ हमारी तो दिल्ली में तुम्हारी सरकार है ना सरकार में हमारी नहीं है जब तो हम खुद मतलब सरकार है सरकार तुम है हम खुद सरकार है सरकार है तो क्या कर लेगा तू क्या कर लेगा तू जूता तुमको बजाएंगे जूता समझे औकात है तुम्हारी औकात ने बाप से पूछो जाके हमारी औकात कितनी अपने बाप से पूछना तू मैं हम किधर है तुम तुम फोन काहे किया हमको फोन क्यों किया तुम इसलिए किया फोन कि तुम मतलब जो जो इस्तेमाल तुम कर रहे हो क्या इस्तेमाल किया मैंने केस कर जाके केस कर केस नहीं करते केस नहीं करते क्या करता है जूता मजाते सीधा तो जूता तुम्हारे ही पास खाली है तुम्हारे ही पास खाली जूता है अरे वो जूता तुम बनाते हो तुम जूता बनाता है बे? हैं? बनाते भी है मतलब पहनते भी हैं।
तुमको पता है ना जूता कौन बनाता है? कौन बनाता है? इंसान बनाता है? इंसान बनाता था, पता है ना कौन इंसान है वो? तू धमकी दे रहा है फोन करके? फोन का किया तुम? औकात में रह तू? कम बाप है तुम्हारे, हम समझे बाप है तुम तो बाप को फोन किया है रे तुम? मैं बाप को फोन किया है क्या? क्या है, क्या कर रहा है? आया नहीं कर रहा बे, तुम चूतिया हो। तू क्या समझ रहा, तू डरा लेगा मुझे? तुम पैदाशी तुम चूतिया थे और रहोगे, तू डरा लेगा मुझे? नहीं मिला, हम जो बता रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या? दीपू सिंह है। तुम भाजपा का आदमी है? तुम क्या भाजपा का आदमी है तेरा? अभी हम तुम्हारे ही भाजपा में ही भेजता हूँ तुम्हारा ये नंबर भेजो, है ना? डर रहे क्या तुमसे? हम तो तुमसे हम डर रहे बे, तुम फोन किया है तुमसे हम डर रहे हैं? के लिए तुम औकात मेरा समझे, देवताओं के लिए तुम प्रयोग करते हो। कौन देवता के लिए क्या प्रयोग किया रहे? तो केस किया है ना, मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट में, कर केस। मतलब हम केस नहीं लड़ते हैं। तो क्या करता है तू जान मारेगा मेरा? तू जान मारेगा? बजाते हैं जूता, जूता बजाता है। तुम पता है तुम किससे बात कर रहा है? क्या करता है? तुम्हारी औकात कितनी है बे? औकात मतलब बाप से अपनी जाके ना तुम पूछो। तू अपना बाप से पूछ। हम पूछे बेटा, समझे? हम किए फोन तुम्हारे पास। तुम्हारे बाप है तुम्हारा जैसा, कह तू ना बेटा मेरा भारत भर घूम रहा है, समझा कि नहीं? वो तो मतलब तुम धमकी देगा हम तुमसे डरेंगे? देख रहे हैं बच्चा, देख रहे हैं। होश में रहो, होश में रहा तू। तू समझ रहा है कि जितने दलित है देश में तुम डरा लेगा? तुम डरा रहा दलित को? तू डरा लेगा तुम दलित सबको? कौन मतलब डरा रहा दलित? तू हमको डरा रहा ना, धमकी दे रहा है तू? तुम लोग तेरा ये पूरा हम अभी वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, डीजीपी को। तुम लोग सुन, स्टार्ट किया सुन, जो मतलब तू डरा लेगा हमको? तुम तू आ जाना, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आ जा दिल्ली में। इतना तुम दूर से क्या धमकी दे रहा है बे? तुम सुनो बे, तुम्हारा अभी हम अभी अभी ठहर जाते रहे, डीजीपी को भेजता हूँ तुम्हारा ये भाषण अभी मैं। हाँ तो भेज दो, भेजता हूँ। तुमसे हम कहाँ डर रहे? तू डराने के लिए हमको फोन किया दो दो बार? तुम गलत तुम किए हो। अरे भीमवादी तू हमको बोला है तो हम भीमवादी हैं, बोल क्या करेगा? क्या करेगा बोल? क्या करेगा? हम भीमवादी हैं, बोल क्या करेगा? नहीं अपनी मतलब जो जुबान है, मतलब जो अपनी मतलब हाथ का वो तो कंट्रोल करो। कोई कुछ नहीं करूंगा, सुनो। जात के ऊपर इस प्रकार का मतलब तू धमकी क्यों? कौन जाति में बोला रहे हम? कौन जाति में बोला? जेएनयू के विषय से पूछ बोलते हो? सुन सुन, जेएनयू के विषय से पूछ, शिव का सूत्र क्यों बोली है? पूछ जाके, कम बोल तुम समझा। और जाके सुब्रमण्यम से पूछ के भीमराव अम्बेडकर को ब्राह्मण क्यों कह रहा है, पूछ रहा उससे। तू धमकी दे रहा है मुझे, तू हम भीमवादी हैं, क्या करेगा बोल? मतलब दिक्कत क्या तुमको? अम्बेडकर अगर मतलब ब्राह्मण थे तो तुम लोग कैसे ब्राह्मण है? मतलब क्या तू धमकी दे रहा है? इंसान नहीं होता क्या ब्राह्मण? इंसान नहीं होता ब्राह्मण, इंसान नहीं होता है? नहीं नहीं, तो तू अम्बेडकर ब्राह्मण थे? सुब्रमण्यम साहब से पूछ। अगर हो गए तुम लोग कैसे हो गए? दिक्कत होगी तुमको? शिव शुद्र है, शुद्र है शिव। दिक्कत होगी तुमको? दिक्कत हो गई, धमकी दे रहा है फोन करके, तू जान मारेगा मेरा? होश में रहो नहीं। अरे होश में रहो, गिनती नहीं होगी समझे जूतों की। अरे ऐसा है, ठहर जा रहे, तेरे से डरता नहीं हूँ। तू रहता कहाँ पे है? कर लो रिकॉर्डिंग हमारी, समझे? करता हूँ ना, करता हूँ। कर लो हमारी रिकॉर्डिंग, जो तुम मतलब ठाकुरों के लिए ब्राह्मणों के लिए। तेरे से ज्यादा ठाकुर ब्राह्मण मेरे दोस्त हैं, जानते हैं। तुम्हारी अभी औकात नहीं है इतनी, रख फोन। औकात तुम्हारी बेटा खूब है, समझा? औकात तू, तेरे डराने से डरेंगे रे? तू इंसान बन। बन तू धमकी दे रहा फोन करके, तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन है तुम? अल्लाह मियां हो? नहीं नहीं, तू जानता है मुझे? नहीं, तुम कौन हो? अभी तो हम बताते हैं हम कौन है। तू दो दो बार फोन कर रहा है, जब हम नहीं उठा रहे फोन तो किए जा रहा है।
हम 100 बार मिलाएंगे फोन, 100 बार मिलाएंगे फोन। आप कहे मिलाया, आप कहे मिलाया फोन तुम हमको? इसलिए मिलाए हैं, पोस्ट तुम कर रहे हो ठाकुर विरोधी। कौन ठाकुर विरोधी पोस्ट है बता दे तुम? विरोधी, धर्म विरोधी, ये सब क्या है सब? धर्म का तो ठेकेदार है, हम ठेकेदार है, है? तेरे ऐसे ऐसे कितने डराने चले हैं? तुम ठेकेदार हो मेट करके, हम नहीं है ठेकेदार धर्म के, तुम ठेकेदार हो मेट करके। हम हैं, पढ़ते हैं अम्बेडकर। तो धर्म कितना पढ़ा है धर्म साथ? बुढ़ा पढ़ाऊं तुम्हें? पढ़ा है धर्म साथ? विष्णु पुराण पढ़ा है तुम? शिव पुराण पढ़ा है? मतलब इंसानों को, मतलब पढ़ते हैं इंसानों को। नहीं, तू इतना फोन करके अम्बेडकर वादी या भीम वादी या तू तू गाली दे रहा है, तू क्या समझ रहा है? तू डर गया तुमसे? हम चुपचाप रहो, आराम से आके बात करोगे, खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, विमर्श करेंगे, लेकिन धमकी देगा तो डरूंगा नहीं तुमसे। एकदम कुछ नहीं, मैं किताब पढ़ के बोलता हूँ। शिव पुराण पढ़ूंगा अभी, विष्णु पुराण पढ़ूंगा, गीता प्रेस से छपा है। अमेरिका ने स्टार्ट किया था जातिवाद, जो स्टार्ट किया था मतलब अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था। अम्बेडकर उसके पहले नहीं था? आरक्षण मतलब दिया दोनों ने। आज मतलब आप लोग मतलब शर्म करो अपने आप। शर्म तू कर, तू कर शर्म। आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण तू जनऊ कोटा नहीं ले रहा? अरे सवर्ण का आरक्षण ले रहा, विरोध किया? 10% लिया, विरोध किया? तुम मतलब ऐसे मतलब जो ऐसे मलम 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 बोलने आता नहीं, चार लाइन मलम मलम कर आता है, आता है, पहला भी आता बहुत अच्छे से। अच्छा, औकात मेरा है, तेरे से डरता नहीं हूँ मैं, समझा? औकात में रतनलाल, हाँ ठहर ठहर। ठाकुर विरोधी पंडित, ठाकुर तेरे से ज्यादा ठाकुर उत्तर प्रदेश में मुझे जानते है, तू जानता नहीं है मुझे। पीछे से हनियार लेंगे। हाँ, इतनी औकात तुम्हारी नहीं है बेटा, आराम से रहे अभी। बेटा ही है तुम, अभी तू बच्चा है। टीपू सिंह है अभी हम तुम्हारे। अरे ऐसा ऐसा, इतने टीपू टीपू हम कितने देखे हैं, बाप है तुम्हारे हम। अरे बेटा ऐसा है, इसे टीपू पीपू बहुत देखे हैं, टीपू टीपू में। मतलब लाल पाल तू डर गई, छुप गई हमला करेगा, समझा? मैं जानता हूँ तू छुप के हमला करेगा, गीदर की तरह, समझा? छुप के हमला करेगा तुम, गीदर की तरह। चलो ठाकुर है, ठाकुर है तो क्या कर लेगा बे? ठाकुर है तो क्या कर लेगा? ठाकुर बैंड बजा, बैंड तुम नहीं बजाते हैं, बैंड हम लोग बजाते हैं, दलित लोग डम डम बजाते हैं। तू क्या बजाएगा बैंड? ब्लैकमेल कर रहा हूँ कि तेरे से ज्यादा आवाज में बोल रहा हूँ, तेरे से डर गया मैं बे, डर गया तुमसे। ये है मामला। दीपू सिंह है भाजपा जनता युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी बाराबंकी के, और ठाकुर कह रहे हैं अपने आप को राजपूत कह रहे हैं, बोले सरकार हमारे लिए, हम ही सरकार हैं, और ये धमकी है। तो आप लोग के माध्यम से मैंने कल ट्विटर पे और फेसबुक पे लिखा था, ट्विटर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट कमीशन, योगी और DG उत्तर प्रदेश पुलिस सबको टैग किया है। कानूनी सलाह भी ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आप लोग के माध्यम से ये लड़ाई कानूनी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो है समाज को जागृत करने की लड़ाई है। सबको धमकाते हैं, कहीं मूंछ रखने पे मार देते हैं, कहीं बच्चा मार देते हैं। तो सवाल डरने का, समाज को आज खड़ा होना पड़ेगा, और इन ठाकुर समाज के हैं तो मैं ठाकुर समाज से भी अपील करूँगा कि अपने जाति के अंदर ऐसे जो बदतमीज़ क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उसका बहिष्कार कीजिए, उसके समर्थन में नहीं आइए, क्योंकि सामाजिक वैमनस्यता यही लोग फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक राजनीति की लड़ाई बड़ी है, और समाज को जागरूक होना है, डरना नहीं, अपनी आवाज़ मुखरता से बगैर अनपार्लियामेंट्री शब्द का और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज़ ऊंची और बुलंद रखनी है। अब देखते हैं, अब वकील से हमारी बातचीत चल रही, कहाँ क्या करना है, और तब तक अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे राइटिंग्स को दबाने के लिए, लिखने पढ़ने बोलने के लिए, और इससे ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे, तो ऐसे दीपू टीपू हमने जीवन में बहुत देखे हैं,
हम लोग बाबा साहब के अनुयायियाँ कलम जेब में लेके चलते हैं और सैकड़ों तलवार और बंदूक से ज़्यादा पावरफुल ये कलम है। हम बाबा साहब के इनसे कोई डरेंगे नहीं, और जितनी आवाज़ में अम्बेडकर बोलते थे ना, उसी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे, उन्हीं का किताब पढ़ेंगे, उसी से लोगों को पढ़ाएंगे, वही हम समझाएंगे। सिर्फ मेरा संदेश यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि आप सब पूरे देश की जनता ये जाने और अपने अंदर भी आत्मसम्मान और वो कॉन्फिडेंस लाए कि कोई अगर उस ऊंची भाषा में बात करे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, उसका मकूल जवाब दीजिए और कानूनी कार्रवाई जो करनी होगी बाद में करेंगे। वो पहले भी रहा है, जब शिव का मामला आया था तब भी कुछ लोग आए थे, और ओम सुधा हैं वो भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन उस समय किसी संदर्भ में वो चला गया। धमकियां आती रहती हैं और आप ट्विटर सोशल मीडिया पे तो धमकियां लोग लिखते ही हैं, लेकिन ऐसी धमकियों से हम अगर डरने लगे तो मेरी पराजय का मतलब है बहुजन समाज का अपराजय हो जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल लो हो जाएगा। अगर मुझे कुछ होता भी है तो ये वैचारिक युद्ध है, विचारों की लड़ाई है। किस बात के लिए डर? संविधान मानने वाले हम लोग हैं, और ये वैचारिक लड़ाई है। अगर कुछ होता है तो हम शहीद होंगे, समाज के नाम पे शहीद होंगे। ये कोई मेरे जमीन और मेरे प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, किसी से हमने कुछ मांगा नहीं है। तो ये लड़ाई इससे ये मेरी धार और तेज होगी लिखने की और बोलने की। सर, वो क्या लगता है कि ये धमकी जो है ये पर्टिकुलरली आपको है या फिर एक कम्युनिटी को मैसेज? नहीं, आप समझिए, जो दलितों के खिलाफ हिंसा होती है उसका वीडियो बना के वायरल करते हैं, किस लिए? कि उस घटना के द्वारा जो है पूरे समाज को आतंकित करें, एक तरह का अनुष्ठानिक वध लोग करता है, बलात्कार करता है, ये पूरे समाज को आतंकित करें। तो ये लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुजन आवाज में एक छोटा सा पिलर हूँ, मैं लगातार अपनी बात रख रहा हूँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो मुझे डराने का, मुझे गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल भेजा जाएगा, हमने डरा, आपने देखा मुझे डरे हुए। ये मेरे डरने का मतलब है, मेरे झुकने का मतलब है कि वो समझ जाएंगे कि जब इनको झुका सकते हैं, डरा सकते हैं, तो बाकी की क्या औकात है, कि बाकी पूरे समाज को, पूरे जमात को ये डरा देंगे। इसलिए मैं डरता नहीं, इनका पुरजोर मुकाबला किया जाएगा कानून से, संविधान से, कलम से, लिख के और बोलकर। अभी तो हुआ नहीं है, होगा उस समय देखेंगे। हमारे पास कलम की ही ताकत है, और ऐसे लोग मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग गीदर होते हैं, छुप के हमला कर सकते हैं, भीड़ में, झुंड में हमला करते हैं। अगर उनको हमला करना है तो कहे ना कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, इतने बजे इतने टाइम में यहां मिलूंगा, बोले ना। कायर लोग हैं, ऐसे कायरों से कि जो झुंड में, जो छुप के झुंड में आकर एक आदमी पर हमला करते हैं, ऐसे कायरों से मैं नहीं डरता, किसी कीमत पर नहीं डरता। अभी मैंने कहा ना कि मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ, वकील से बात कर रहा हूँ। वैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन को मैंने टैग किया था ट्विटर पे, स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है केस। अगर संज्ञान मिलेंगे ठीक है, नहीं तो आप लोग के माध्यम से भी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी, और मैं कानूनी राय ले रहा हूँ, और जैसा होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कह तो रहा है ना, इसमें आ रहा, हो सकता नहीं हो, लेकिन भाजयुमो लिखा हुआ है ना, योगी जी की इसमें तस्वीर है, योगी जी की तस्वीर है इसमें। तो नहीं, इंक्वायरी करें ना भाई, ट्रू इंक्वायरी मेरा काम नहीं है ना, उनके ट्रू कॉलर पे जो आ रहा है वही मैंने आपको बताया। तो ये पुलिस का काम है इंक्वायरी करना ना। वहाँ कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ, उसमें जो मौलाना जो था एक्यूज, किसका कनेक्शन निकला? ये तो साफ इसके ट्रू कॉलर में लिखा हुआ है, दीपू सिंह। उसके फेसबुक पे जाके देखिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, बाराबंकी का रहने वाला है। क्या चीज आपने लिखा था ट्विटर पर जिसकी वजह से वो जिक्र कर? अब पता नहीं क्या लिखा था, एक बार लिखा था तो हमने कहा ना कि मुकदमा करो, कोर्ट में जाओ, कुछ भी लिखा है तो आप कोर्ट जाइए ना, थाने में जाइए। हम तो रोज लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या आप कहेंगे कि हम ही सरकार हैं, मार देंगे, ये बोलेंगे? तो आप ही सरकार हो तो दिल्ली में आ जाओ, केंद्रीय सरकार बन जाओ ना, फिर आ जाओ, देखते हैं फिर
कि डर जाएंगे, झुक जाएंगे तो हमारा पूरा समाज का मनोबल टूट जाएगा। ऐसे मैंने सुनाया इसमें आपको, इसमें मैंने कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किया है? बोला कि मेरा बाप है, तो बोले वो मेरे बेटे के समान, इसलिए कहा कि तेरा बाप हूं मैं। और वही साबित करना चाहता है कि धमका के मुझे जो है ना वो चौड़ा होके घूमे, ऐसे ऐसे टुटपुंजिया दो टके के गुंडे से मैं डरता उड़ता नहीं है, इससे बड़े बड़े लोग मुझे धमका चुके हैं, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो है कि समाज के हित में सूचना है कि आवाज बुलंद करिए अपनी। जो होगा देखा जाएगा, मतलब आपको डर नहीं लगता है ऐसे लोगों से? तो डर लगता है तो यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते, आपको रिकॉर्डिंग सुनाते रहते, क्या होगा? मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की लाशें भी देखी हैं जिन्होंने कभी संघर्ष इसलिए नहीं किया कि कहीं वे मारे न जाएं। कोई अमर होने तो आया नहीं। जब 50 साल, इतनी उम्र 35 साल से जब लिख पढ़ बोल रहा हूं, तो आज किसी के डर से? अंबेडकर की राइटिंग्स मैंने छापी है, शिव पुराण मैंने छापा है, विष्णु पुराण मैंने छापा है, मत्स्य पुराण मैंने छापा है, पेरियार की राइटिंग्स को भारत सरकार बैन करे, अंबेडकर की राइटिंग्स को सरकारें बैन करे ना, क्यों नहीं करता? गीता प्रेस को बैन करे ना, सारा तो वही छाप रहा है, दुर्गा सप्तशती और शिव पुराण और विष्णु, क्यों नहीं बैन करता उसको? सारे लिटरेचर फिर इनकी सरकार है और ऐसा चाहते हैं कि, तो सारे लिटरेचर पढ़ना लिखना यूनिवर्सिटी बंद कर देना फिर। मैंने थोड़े ही छापा है, उन्होंने गीता प्रेस ने जो छापा वो पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, बंच ऑफ थॉट पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, और इस पर कोई धमकी मुझे देगा तो उससे मैं डरने वाला थोड़ी हूं। अभी तक पुलिस की कार्रवाई को आप किस नजरिए देखते हैं? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं मेरे पास, कोई इन्फॉर्मेशन या मैंने कोई एकदम जो है लिखित शिकायत अभी कहीं नहीं दी है, अभी मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ। देखिए, हमारा काम संघर्ष करना है, मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। और मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत आशावादी हूँ कि छोड़ दिया गया इसका मतलब कि भारत में कोई जनता, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई दलित, कोई आदिवासी संघर्ष ही ना करे, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तब तो ये आतंक का राज हो जाएगा। अगर ऐसी राज व्यवस्था है तो राज व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े करेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी न्यायपालिका पर इतना भरोसा है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो जाता है तो लोग आपके हित में खड़े होंगे या न्याय के लिए खड़े होंगे? देखिए, मैं नहीं जानता कि कौन, मैं भविष्यवाणी नहीं देता, मैं कोई भविष्यवाणी देने वाला नहीं हूं, कथावाचक नहीं हूं। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं और लगातार ये आवाज इसलिए बुलंद कर रहा हूं कि जो डरे हुए समाज, दबे हुए समाज, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास खोने के लिए। इसलिए ऐसे आतंकवादियों, ऐसे आतताइयों के खिलाफ सीना चौड़ा करके खड़े हो, ये डरपोक कायर लोग हैं, खड़े हो, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। शुक्रिया।